अब ये मंथन जो शुरू किया है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है, मंथन जो शुरू कर दिया है अनुसूचित जाति सम्मेलन के जरिए, कितनी संजीवनी मिलती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में? देखिए चुनावी साल है, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, अपनी बात। ये चुनावी साल है और हमारे देश का ये सौभाग्य है कि यहाँ पर चुनाव के समय बहुत सारे मतलब डिस्कशन होते हैं और खासकर वो डिस्कशन जातीय मुद्दों पर ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वैसे तो हर पार्टी कहती है कि हम जातिगत आधार पर कोई काम नहीं करते हैं, हम जनता को देख के करते हैं, हम जरूरतों को देख के करते हैं, हमारा जो किया हुआ विकास है वो हिंदू भी मानता है, मुसलमान को भी मिलता है, वो सिख को मिलता है, वो सभी जाति अगड़ों पिछड़ों सबको मिलता है। लेकिन ये डिस्कशन अब ये है एक सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी कह लीजिए कि चुनाव के समय इस तरह के डिस्कशन बड़े तेज हो जाते हैं। अब आज वो मेडिकल कॉलेज जो है जिसका नाम बदला गया, जिस पर आपने प्रश्न किया जी, उस पर दलितों को और अगड़ों को पिछड़ों को सारी बातें हो गई, किसी ने ये नहीं बताया कि एक्चुअली वो अस्पताल चल कैसा रहा है, वहां दवाएं हैं कि नहीं है, वहां मरीज हैं कि नहीं है, वहां सुविधाएं हैं कि नहीं है। जी, तो अब ये तो अब आपको सुनना होगा पूरे 24 के चुनाव तक, कभी अनुसूचित जाति सम्मेलन होंगे, कभी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होंगे, और संगठन के तौर पर देखिए कुछ भी हो, भाजपा का अपना एक तगड़ा नेटवर्क है, तो भाजपा ने हमेशा इस तरह के चुनावी तैयारियों को में अपने को जो स्टार्ट लिया है हमेशा भाजपा ने लिया है। तो योगी आदित्यनाथ ने आज जो अनुसूचित जाति सम्मेलन किया, आज मौका भी वाल्मीकि जयंती का था, तो ये एक अच्छा मतलब दिन तलाश कर उन्होंने एक शॉट खेला है। अब अभी तो गंगा में बहुत पानी बहना है, देखते हैं कितना इसका सम्मेलन का फायदा मिलता है और कितना इस अनुसूचित जाति सम्मेलन के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भाजपा से जुड़ते हैं। बिल्कुल, गंगा में अभी बहुत पानी आना बाकी है। लेकिन अनुपत जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि पूरी पूरे फ्रेम में अगर हम नजर डालें तो बसपा अभी भी नदारद दिख रही है, और कोर वोटर माना जाता है जो पिछला वर्ग है या दलित समाज से जो लोग आते हैं कोर वोटर कहे जाते हैं बसपा के, ऐसे में और अगर पिछले दो चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो कहीं ना कहीं दूरी बनाई है। क्या उस कोर वोटर को लपकने की कोशिश अखिलेश यादव रायबरेली में काशीराम प्रतिमा का अनावरण करने जाते हैं, जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, बीजेपी अनुसूचित जाति सम्मेलन की शुरुआत करती है, किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि वो जो एक अनाथ वोटर पड़ा है दलित जिसका माई बाप नहीं है इस समय, उसी की छीना झपटी चल रही है और यूपी में उसका एक अच्छा वोट प्रतिशत भी है, तो ये दलित मतों की छीना झपटी मानकर चलिए, चाहे वो कांशीराम जी की मतलब मूर्ति का अनावरण हो, चाहे वो अनुसूचित जाति सम्मेलन हो, वो एक अनाथ दलित मतदाताओं पर एक अभिभावक का साया डालने का प्रयास है। और अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब तक मतदान का दिन आएगा, उससे एक 8-10 दिन पहले तक चीजें बिल्कुल देखिए चुनाव अक्सर रोचक ही होते हैं। और मेरा अपना मानना है कि एक जो कोर वोटर है जो सिर्फ नीले रंग का बना हाथी दीवार पर देखकर वोट देता है वो तो अभी भी मायावती को वोट देगा, लेकिन हाँ एक बड़ी संख्या ऐसी दलित वोटरों की है जो इस समय अनाथ है और उसको सब पार्टियां छीना झपटी में लगी हुई है। ठीक है, नवाब सिंह जी आपके पास आ रहे हैं, जो ये अनाथ वोटर कह सकते हैं, अनाथ शब्द हालांकि उतना जायज नहीं है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है उत्तर प्रदेश की सियासत की यही कहा जा सकता है कि दूरी बना चुके हैं, ऐसे में क्या ये जो अलग हो रहे हैं इनको छीना झपटी की कोशिश, लपकने की कोशिश, बीजेपी तो कारगर साबित होती दिखाई दे रही है, अनुसूचित जाति सम्मेलन में भीड़ जुट रही है, लोग पहुंच रहे हैं और बीजेपी को मान भी रहे हैं, कितनी चुनौती देख रहे हैं? मैं सबसे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता जी हैं जी, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। चलिए जल्दी से, उन्होंने कहा इटावा से चले यहाँ और हाथरस पहुंच गए जहां आपने एक दलित बेटी को अंतिम संस्कार भी हिंदू रीत रिवाज जैसे होते वैसे नहीं होने दिया, ये है आपका दलित प्रेम। दूसरा, आपने 69,000 भर्ती में शिक्षकों का आरक्षण खा लिया और न्यायालय ने कहा
न्यायालय की मर्यादा को भी आपने ध्यान नहीं रखा, आज तक वो भर्ती आप पूरी नहीं करा सके। दलितों छात्रों का आप स्कॉलरशिप खा गए, कहने के लिए तो आप सबसे बड़े दलित हितैषी बन जाएंगे, मीटिंग कर लेंगे, सत्ता में लोग आ जाएंगे, जितनी चाहेंगे उतनी भीड़ आ जाएगी, जो चाहेंगे वो घोषणाएं कर देंगे, लेकिन जमीन पर अगर दलित हित की बात करते हैं तो क्यों आपने दलितों का स्कॉलरशिप पहले की अपेक्षा कम किया है और 69,000 में पिछड़ों का खा गए, आज तक क्यों नहीं वो भर्ती पूरी हो पाई, कोर्ट ने भी कहा। और इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, नौकरियां आप खा गए पूरे देश और प्रदेश में, आउटसोर्सिंग लागू कर दी, और आउटसोर्सिंग में क्या दलित और पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था है, और नहीं है तो क्यों, क्यों हमें संविधान में अधिकार दलितों पिछड़ों को मिला है, आपने कैसे दलितों और पिछड़ों का आउटसोर्सिंग में क्यों नहीं, जब नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां सारे विभागों में आउटसोर्सिंग में आपने दे दी, तो दलितों और पिछड़ों का हक कैसे मार रहे हैं आप? नवाब सिंह जी आज किदवई नगर के मंच से योगी आदित्यनाथ बोलकर गए हैं सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देंगे, कमेटी गठित कर दी गई है, ये कह रहे हैं जो अभी तक वैकेंसियां हुई हैं, चुनावी वादा बता रहे हैं आप, आउटसोर्सिंग के माध्यम, यानी आप इसे चुनावी वादा, उसमें दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, और अगर ये कह रहे हैं तो आए जिन विभागों में हम बात करते हैं कितना दिया गया, ठीक है जवाब कहां पे दिया गया, दे रहे हैं अनूप जी जवाब, दे रहे हैं अनूप अवस्थी जी जवाब, दे रहे हैं अनूप अवस्थी जी, पिछड़ों के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं, अगलों के विरोधी हैं, ये पूंजीपतियों के साथी हैं, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए।